फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज स्टाइल एंड यू में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोगों के हवाले से। वो इसलिए कि एक ऐसा ग्रुप होता है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो अक्सर आपको शादियों में अपनी परफॉर्मेंसेस करते हुए नजर आएंगे। नॉट इवन ऑन शादी बल्कि डिफरेंट कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो हमारे ड्रामाज, मूवीज़ और आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स में भी वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्पेशली डांस परफॉर्मेंसेस, या फिर कोई डांस परफॉर्मेंसेस नहीं भी हों तो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं। और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोरियोग्राफर का होना। तो आज हम बात करेंगे कोरियोग्राफर्स पे और उनके आउटफिट्स पर कि स्पेशली डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट इवन डिफरेंट आपकी मूवीज़ वगैरह पे कोरियोग्राफर्स किस तरह से पूरे डांस को या म्यूज़िक को डिज़ाइन करते हैं और उनके वार्डरोब्स क्या क्या सिलेक्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात होगी आज। और साथ आपको ये भी बताऊं कि आज की हमारी जो कलेक्शन है वो है हिना मिर्ज़ा की, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। और हम मेकअप पे भी बात करेंगे और मेकअप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। गर्मियों के दिनों में फाउंडेशन के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त कोरियोग्राफर एंड डांस ग्रुप मौजूद है, हीरा दिलावर एंड कंपनी। सो यू ऑल स्टे विद अस, अभी उनसे मुलाकात करेंगे। और जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हीरा दिलावर और बाकी उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर हैं जो उनके साथ डांस परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हीरा विद अस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तानिया है हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उस्मान एंड जुनैद। ठीक है, तो इन सबसे हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए कि किसी भी इवेंट के लिए कोरियोग्राफी ज़रूरी हो जाता है। तो हीरा दिलावर ये बताएं कि कौन कौन से ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कोरियोग्राफी मस्ट होती है? हाँ, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी ईद है, त्यौहार होते हैं, उसमें मॉर्निंग शोज़ पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं। उसके बाद अगर हम सोचें कि वेडिंग्स होती हैं, इतनी सारी वेडिंग्स होती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब तो लोगों ने ये सोच लिया है कि बाहर जाके भी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स करें। तो लोग बहुत पैशनेट होते हैं कि मेहंदी के अंदर डांस तो मस्ट है। डांस एक उनकी नीड समझ लें या एंटरटेनमेंट का सोर्स समझ लें, मेहंदी का वो मस्ट है। और उसके बाद मूवीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट ज्यादा कोई है नहीं और लोगों के लिए ओकेजन ज्यादा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन हमारे यहाँ पर होता है वो है वेडिंग। ऑलवेज इट्स लाइक कंप्लीट इंडस्ट्री, हमारी एक इंडस्ट्री है वेडिंग। अच्छा, उसके अलावा आपने कहा फिल्म भी है जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है परफॉर्मेंसेस आपको कोरियोग्राफी करवाने में? सबसे ज़्यादा मज़ा जब हम कुछ क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो, हम अपने जोन में चीज़ें कर रहे हो। हम जब कभी क्लाइंट के पास जाते हैं तो जैसे कि हमें 10 गाने करा दें, 4 गाने करा दें, 3 गाने करा दें या 2 गाने करा दें। सबकी अपनी चॉइस है और अपने तरीके हैं, मगर फिर अभी वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि उनकी पसंद की चीज़ें हो। पता नहीं उनके ऊपर सूट करती हैं कि नहीं करती है, मगर उनकी पसंद की। अच्छा, ज़्यादा इवेंट्स में मज़ा आता है या फिर शादी के गानों में? शादी के अंदर ये है कि लाइव है, दिस इज लाइव शो, इसको वन गो होना है। और जब हम वीडियो सॉन्ग या मूवी कर रही होती हैं तो इसका कट टू कट चीज़ हो रही होती है, उसको हम परफेक्शन बना लेते हैं, मगर इसमें पता चलता है कि हु इज़ गुड और हु इज़ नॉट। अच्छा, ये बड़े मज़े का एक सवाल है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे बड़ी बच्चियाँ और बड़े मतलब एवरी वन इज़ इन्वॉल्व शादी वाले दिन और सब डांस सीखना चाहते हैं। इवन वो मतलब दादा भी डांस सीखना है, बच्चों को भी सीखना है। अभी 2 साल का बच्चा है मेरा, उसको भी डांस सोच कर आते हैं कि हम कोई फिल्म की हीरोइन या हीरो है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो वो हैंडलिंग कैसे होती है? अच्छा, ये बहुत क्रिटिकल है कि किसी भी लड़की को अब कह दें कि आप अच्छा डांस नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मसला है ना, एक बहुत बड़ा मसला है। ये वाली अच्छा करी, ये नहीं, आगे आगे खड़ी हुई, ओहो आगे देखो, मैं तो बहन हूं, मैं आगे आगे खड़ी हूं। दुल्हन की बहन आगे खड़ी होनी चाहिए, ये मस्त है। ये अगर दुल्हन की बहन आगे नहीं खड़ी होती तो दुल्हन हमें बुलाती है। अब वो डांस भी ऐसा कर रही होगी ना, यूं करके तो भी वो आगे खड़ी होगी और करने भी सारे गाने हैं। मतलब एक गाने में लोग शाइन कर सकते हैं, दो गाने मेमोरी है ना इंसान की, वो एक गाना संभाल सकता है, याद कर सकता है, दूसरा कर सकता है। अब वो कह दे कि मुझे 10 के 10 गानों में करना है, पार्टिसिपेशन है ना, मजा आ रहा है, अब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो एंड पे होता है बहुत सारे भंडे। एग्जैक्टली एक दो करें डांस, लेकिन अच्छा अगर परफॉर्मेंस नहीं आती बहुत अच्छी तो दो में कर लें, बहुत ज्यादा। अच्छा मैं जुनैद और उस्मान से भी सवाल करूँगी, आप लोगों को कौन से इवेंट्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? लाइक ज़्यादातर शादी के इवेंट्स में या फिर यह है कि कोई आपको जो कॉन्सर्ट्स या डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं? शादी के इवेंट में ज़्यादा बेस्ट मज़ा होता है, बेस्ट मज़ा होता है, धूम धड़का हो रहा होता है, फिर आप कुछ अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं जिनको डांस बिल्कुल नहीं आता। अब ज़्यादा मज़ा क्या आता है पता है, जब आप किसी उनको डांस करवा रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस करवा रहे हैं जिनको नहीं आता और वो आप पे बिलीव कर रहे हैं और आपको करवाना है उन्हें 5 दिन है 6 दिन है और आप उनको करवाते हैं और फिर करवाने के बाद आप जब देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो खुशी होती है। उस्मान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका वार्डरोब का, आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं? एक तो चलो आपका इवेंट है उसमें तो पता है, आज आप लोग परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे इनकी डिफरेंट टाइप की जिसमें इन्होंने बड़ी क्रिएटिविटी की है डिफरेंट वार्डरोब के साथ, वो आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन शादी में मखसूस हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? तो हम थीम के हिसाब से कलरफुल कपड़े बनाते हैं कि हमारी थीम में वो अच्छी लगे, कि यूँ लगे कि हमारा थीम कुछ और है, कपड़े कुछ और है, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है कि ये कुछ और जा रहा है। थीम के हिसाब से उसको थीम के हिसाब से हम इसका वार्डरोब सोचते हैं। ओके तानिया तुम्हारा भी होता है, तुम्हें तो बड़ा मुश्किल होता होगा शादियों में जाना, कि हर दफ़ा एक नया आउटफिट चाहिए होता होगा? मैंने आज तक ये भी नहीं गिने कि मेरे पास शादियों में ड्रेस कितने हैं, मतलब कि जहाँ खोलोगे सब मेरे कपड़े okay. भाई अपना कबर्ड खोलते हैं, पूछते हैं तानिया इधर आना, मैं पूछूंगी जी इनमें बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? लड़कियों के साथ बड़ा मसला। अच्छा मेरा एक सवाल है तानिया, कभी ऐसा होता है कि तुम अपने भाई की पैंट या शर्ट पहन के आ गए और बाद में ढूंढ रहा है कि यार ये तो बहुत बार भाई की, अपने भाई के सर्दियों में तो ज़्यादातर क्योंकि हाई नेक्स होती हैं तो उसको पता नहीं चलता, तो मैं ज़्यादा टाइम अपने भाई के कपड़े पहन लेती हूँ। अच्छा। और भाई कॉल करके पूछोगे तानिया ये तो भाई का कपड़ा नहीं पहना ना आज? नहीं मैंने कहा भाई ने शायद आजकल जो डॉट्स वाले स्लीव्स पहनना शुरू कर दिए और तानिया जो है वो कितना अजीब लगेगा ना मार्केट में जाता है और मैं किसी लड़के ने पहनी। वैसे इस टाइप के आउटफिट्स ना वो जो हम पुराने जो 18th सेंचुरी के होते थे ना, वहाँ पर हम देखते थे कि वो पहना करते थे। अब ये फैशन ज़्यादा अच्छा ये रिवाइव हो रहा है, मेरा ख्याल है फैशन दोबारा रिवाइव हो रहा है, हमारा 80s 90s दोबारा इस ड्रामे में या इस वक्त के अंदर दोबारा आ रहे हैं। बेल बॉटम पहले चलता था, बेल बॉटम दोबारा लोगों ने पहनना शुरू किया है। फैशन आया और उसके बाद जो ये ब्लैक एंड व्हाइट का एक दौर था पूरा, एक वो पूरे जूड़े का दौर था, वो दोबारा रिवाइव हुआ, लोगों ने उसको ट्राई किया और अब वो दोबारा चाहते हैं कि इस तरह की चीजें बहुत सूट कर रहा है, बहुत सूट भी करता है। ये आपने बुलाया? नहीं जी नहीं, ये हमने नहीं बुलाया। ये भाई कहाँ से आए आप? मेरी जान मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये तो फोन पर भी था और ये डांस भी करते हो, तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन? ओह मैंने पहचान लिया आपको, आप हैं नाजिया। ओह माय गॉड, ओह वाओ, न्यू थिंग। शुक्र है पहचानिए, कोई नाम दिया जाए इस पर। ओह आपका शो स्टाइल एंड यू, मुझे पता है, मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डांसर्स आए हैं, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है मैम, मैं आपको नजर नहीं आया। इस कराची का, इस पाकिस्तान का, इस पूरी दुनिया का नंबर 1 डांसर, मैं आपको नजर नहीं आया। वाह 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 सर, क्या बात है सर, आप कहाँ डांस करते हैं? मैं कहाँ डांस करता हूँ? जी पूरी दुनिया में फेमस हूँ मैं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बहुत ज्यादा फेमस है सर आप। कितनी जगह पे तुम कोरियोग्राफी कर चुके हो अब तक? मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करता, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल डांसर। एक सेकेंड, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर 1 कोरियोग्राफर मौजूद हैं हीरा। अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं तो आज आप सिखा दो जरा इनको डांस थोड़ा। मैं सीखूंगा, इससे पहले कि हम कुछ करें आप मुझे कुछ डांस करके दिखाएं, मैं देखूं कि आप कितने बड़े डांसर हैं। यस या आई वांट टू सी सम डांस, शो मी सम डांस करके दिखाओ। आई लाइक योर पर्पल टाई, शो मी सम डांस। गॉड डोंट टच मी माय टाई इंग्लिश, या यू कांट बीट माय मी इन डांस। आई कैन ट्राई। आपका नाम क्या है? एक सेकंड, हीरा। आपका नाम हीरा है? जी, जी हीरा। God, ये तो मेरी एक्स का नाम था। It's not हीरा, H-I-R-A, it's H-E-E-R-A, हीरा। आप क्या कह रही थी? It's हीरा, not हीरा। Yes। ये मुझसे अच्छा डांस करता है। I like your purple tie, but you cannot pronounce हीरा। Pronounce it। हीरा। अच्छा। Okay, show me some dance. हाँ, चलो भाई ये तुम्हें डांस सिखाएंगे तो पहले कुछ दिखाओ। ये मुझे सिखाएंगे? हाँ। Yeah. Oh my God, I'm challenge you कि मेरे साथ मुकाबला करो। Challenge तब एक्सेप्ट होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे, तब देखेंगे कि आप कितने पानी में या हम कितने पानी में। नाज़िया मैम। Show me, अगर ये इतने अच्छे हो जाए, आप क्या चाहते हो जाए? अच्छा एक सेकेंड, आप लोग चाहते हो मुकाबला करना? या। चलो ठीक है, सही मुकाबला सही। ओके म्यूजिक। गए। Oh my God! Oh! कैसा लगा? बेकार डांस है। हाय मैम। हाय। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतना बुरा डांस खराब कोई भी नहीं करता जितना आप किया है। यार वैसे एक बात है, तुम अपने को बेस्ट डांसर बोलते हो, ये क्या डांस था? ये क्या था? मैं ये what was this? इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे। सोशल मीडिया पे तो आजकल यही हो रहा है वायरल। तो तुम्हारे कितने लाइक्स आते हैं हॉपिंग पर? लाइक्स यही कोई 3-4 लाख तो आ ही जाते हैं। भाई देख के लाइक्स करे, ऐसा ना करे, दिस इज नॉट गुड। अच्छा बस मान लिया कि तुम अच्छे डांसर नहीं हो, ठीक है? हाँ। मानना पड़ेगा। क्या मैं भी मानता हूँ इस बात। ये तो मानना पड़ेगा ना, आप मैंने इतनी मेहनत की है यार, ऐसा नहीं करो यार। कौन सी मेहनत की है ये वाली? ये कौन सा डांस था? हीरा से अच्छा डांस नहीं कर सकते। बट मैं एक बात कहूँगा, it was entertaining, I like it। ये कौन है? ये तानिया, बड़ी अच्छी डांसर है ये भी। यार कितनी अच्छी डांसर है यार ये। यार इसको आगे होना चाहिए, ये तो बेकार है यार ये। मतलब अब तुम चाह रहे हो इसके साथ परफॉर्मेंस दो? नहीं, परफॉर्मेंस तो देख भी ली इसकी मैंने यार। क्या यार ये बहुत आगे जाएगी यार। अच्छा आगे जाएंगे कि उसके बाद आगे चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे कोई भी नहीं होगा। करना क्या है? हाँ बस मुझे शो में बिठा ले प्लीज। अच्छा भाई एक शर्त पे बिठाएंगे, अभी हमारे गेम सेगमेंट आने वाला है, अगर तुम गेम सेगमेंट में जीत गए तो फिर नंबर बिठाओ। Oh my God, गेम्स तो बचपन से खेलता आ रहा हूं मैं। गेम। कंचे, लट्टू। अरे लट्टू शट्टू नहीं है, सवाल जवाब है। ओह यस। दिमाग वाला गेम है। वो तेरी। हाँ। चलिए जी दिमाग वाला गेम खेलते हैं। And let's see के तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये इतने फेमस है, किसी को इसका नाम नहीं पता। मेरा नाम है जैक्सन गफूर। गफूर भाई तुमसे अभी हम गेम खेलते हैं। गेम टाइम। ऑलराइट जी, अब गेम टाइम आ गया है और गेम में आपको मैं रूल्स बता दूं। रूल नंबर 1 कि अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो उस पर आपको सज़ा मिलेगी। रूल नंबर 2 कि मैं आपको जवाब दूंगी, अगर आपको लगता है मेरा जवाब सही है तो आपने हाथ रेज करना है, और अगर आपको लगता है मेरा जवाब गलत है तो आपने ऐसे करना, ठीक है? चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगी। सवाल है कि आप ये बताएं कि हाथ पीछे करके और सिर्फ पाँव से जो डांस होता है वो जंपिंग डांस कहलाता है। 1 2 3 जल्दी से। ओके जी, आप दोनों का जवाब गलत है। वो स्टेप डांसिंग होती है एक्चुअली, जिसमें हाथ पीछे करके आप डांस करती हैं। जी सजा नंबर 1। साहब मुझे 10 कोड़े मारे जाएं। ओ भाई कहाँ से आ गया ये, किधर से आया है? सजा इसको दे दो बहन, खुद ही दे दो तुम। नंबर हाथ तो नहीं चूज़ नंबर। Choose number. Number any number. लड़की क्या हंस रहे हैं? अच्छा अच्छा वो समझ रहे हो तुम अपना नंबर देने लगी हो। No no no. Number one. तुम प्यार से जो दोगी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? और उस्मान के लिए भी सजा। उसने मुझे क्यूट कहा। भाई नंबर को कहा। तुम्हें नहीं कहा। हाँ जी उस्मान। Number 7. ये क्यूट सा। अच्छा जी। बनी। That's so cute. अच्छा जी आपने बताना है कि बैले डांसर में कम से कम 10 स्टेप्स होते हैं. Is it true or false? बैले डांसर में कम से कम 10 स्टेप्स होते हैं. बैली डांस में तो स्टेप भी स्टेप्स होते हैं. वो मेरी बैली नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देगा. ये सब गलत है. उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, खाना फिर तुम्हारी बैली भी निकल आएगी. अच्छा जी सजा दे दें. 5 स्टेप्स होते हैं खाली. आपने देखा होगा कि बहुत ही कम स्टेप्स. मैं तो गिन गया ना. और वैसे भी बैली का ज्यादातर डांस बैली होता है तो वो भी 1 2 3 4 निकाउंट हो जाता है. 1 2 3 4 5 बस. सर नाइस सर. नंबर सर. चलिए नंबर. नहीं मैं ऐसा नहीं हूं. ऐसा नहीं. नहीं मुझे नंबर लेना है. इनके जूते का नंबर भी नहीं लेना है. खोल दे. ये मेरी सजा कब तक रहेगी? लास्ट तक. मैं मटकावा मुछा ये लो पहनो. मुझे तो पप्पू जैसी वरना ना हो. पप्पू नाइस. राजा लग रहे हो. बिल्कुल पप्पू ही लग रहे हो वैसे इस वक्त. उजड़ी विरासत के राजा लग रहे हो. थोड़ा सा यूं कर लो. पता नहीं कौन सी अपनी ख्वाब की रियासत के राजा. चले जी अगला. अच्छा बताना है आपने कि अर्जेंटीना का जो डांस होता है उनका अपना ट्रेडिशनल वो सांबा है. अर्जेंटीना का डांस सांबा. हाँ यस. तीनों के गलत हुए जवाब. और ये जीत गया है. yes! सांबा कहाँ से हो सकता है? टैंगो है. वही तो बोल रहा हूँ सांबा नहीं हो सकता. सांबा होता है. टैंगो होता है. हाँ चले सजा दें. पहले तो हीरा को देना. ओके नंबर 5 की सजा. जल्दी जल्दी. ये तुम्हारे कपड़ों का मैच कर रही है. What is this by the way? This is weird. आपका मेरी एक्स जब 3 हफ्ते तक ब्रश नहीं कराती थी ना उसकी दाढ़ी इतनी आ जाती थी. चलो जल्दी बाल आते हैं बहुत सारे. आपका एक लड़की है लड़का है? अच्छा अभी इसका मौसम भी चल रहा है. ये वैसे कहाँ पहनते हैं? चलो यहाँ नंबर 6. जल्दी जल्दी तानिया जल्दी जल्दी. मैं आऊँ. आप करो कॉपी. और हीरा जो है वो इस वक्त हो चुके हैं ओल्ड मैन बन चुके हैं बिल्कुल. लेकिन ये गेम जो हारा है वो इस वक्त हारा है मिस्टर जैक्सन. जैक्सन तुम्हें 2 सजाएं मिल गई. बाकी सबको 1-1 सजा मिली है. मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा. बहुत खुश हुए. बैठो. अच्छा भी बैठो. नहीं जाएंगे कोड़े खा के जाएंगे. बैठो बैठो तुम. चलो बैठो. अभी तुम्हें परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं ठीक है. देखोगे ना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और अब हम आपको परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे जो बड़ी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस है. पूरी जबरदस्त कोरियोग्राफी हुई हुई है जो हीरा दिलावर एंड डांस कंपनी ने परफॉर्मेंस मतलब खुद बनाई है. पेश करेंगे. सो यू ऑल स्टे विद अस. और उसके बाद फिर मेकअप सेगमेंट भी आएगा. आपने कहीं नहीं जाना. pampilampo, pampili pampilampo, pili pampilampo, pampili pampilampo, pili pampilampo, pampili pampilampo. امشو دلم آخونه، امشو دلم حیرونه، یارم که سفر رفته زندگی ما زندونه، یارم که سفر رفته زندگی ما زندونه. सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिये सिंधु वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिये सिंधु वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। खिलती को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, ओ मेरी जान जा आजा। कली बोले ना 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 ना, ओ नो डोंट बी सिली, ओ ना चुके देखा कमरिया हिला, डोंट बी सिली जरा इधर आ। You the bag, तेरा लॉलीवुड the swag, I don't need your brag, sorry baby I कर दूं flag, baby अपना जलवा दिखा दे, Instagram का filter हटा के छलका दे, उसने का पहला बना पर्चा कटा के ले जाओ डियाला। Oh no, don't be silly, ओ नच के दिखा, don't be silly, कमरिया हिला, don't be silly, जरा इधर आ। लवना पर चकटक ले जाऊं डियाला। ऑलराइट जी, अब मरियम स्टूडियो से हमारे साथ आलिया मौजूद है और आलिया जो है वो बताएंगी कि गर्मियों में फाउंडेशन आप कैसे लगा सकते हैं। ऑलराइट जी आलिया, तो आप क्या दिखाने वाली हैं, बताइएगा। फाउंडेशन का बताने वाली हूँ कि गर्मियों में किस तरीके से फाउंडेशन आप लगा सकते हैं और इनका जो फेस है उसके हिसाब से मैं लिक्विड फाउंडेशन इनको लगा रही हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनका फेस जो है वो प्राइम कर लिया गया है, प्राइमर से आप प्राइम कर लें, उसके बाद आप 10 मिनट्स पहले कर लें, जब वो सोख हो जाए देन आप उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई। फॉरन कहते हैं फाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। नहीं, फॉरन फाउंडेशन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है जी, तो फाउंडेशन लगाने का तरीका भी बताएंगे तो कैसे लगाएंगे बताएं। सबसे पहले मैं जो है फाउंडेशन ब्रश से लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। ओके, आपने जो है पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया एंड देन जी सबसे पहले हमने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर को 10 मिनट के लिए स्टे कर दिया, देन हमने इसको फाउंडेशन लगा लिया जी। फाउंडेशन जो है आपका ये बहुत कम अमाउंट में लेना चाहिए गर्मी के सीजन में, उसकी वजह ये होती है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ। तो कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है? लिक्विड फाउंडेशन, वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, मैं भी वही कर रही हूँ। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा लंबा ओकेशन है और आपको जो है बहुत लॉन्ग स्टे चाहिए तो फिर आप ऑयल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जहाँ पे एसी वगैरह है तो वहाँ पे ऑयल फाउंडेशन बहुत अच्छा है। बल्कि ऑयल बेस्ड फाउंडेशन की सबसे खास बात ये होती है कि उसे आप पानी में भी डाल दें तो आपको पता वो घुलता नहीं है, और आप इवन बारिश में चले जाएं पानी आ रहा तो घुलता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक चीज़ ये होती है कि पसीने से जो है ना वो मिट जाता है, वो फाउंडेशन में मिट जाता है, सब फाउंडेशन मिट जाते हैं। उसके लिए बेहतरीन हाल होता है कि आपने बेसिकली पाउडर लगाना है, फेस पाउडर जी। तो अब गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों की बात कोई कहता है आइसिंग वगैरह के साथ, बिल्कुल ये बहुत बेस्ट है। अगर आप मेकअप से पहले हाफ एन आवर पहले आप पूरे फेस पे आइसिंग कर लें वो बहुत बेस्ट है, या ठंडे पानी से, बहुत ठंडे चिल्ड पानी से मुंह धोएं। ठीक है जी, नेक्स्ट फाउंडेशन पूरा अप्लाई कर देंगे इनके फेस टोन के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा जो है वो डार्कर भी नहीं होना चाहिए और लाइटर भी नहीं, बिल्कुल इवन टोन होना चाहिए। उसके बाद वही आप वाली बात कि हम पाउडर से इसको फिनिश करेंगे। पाउडर आप स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं और आप ब्रश से भी, लेकिन ब्रश से मैंने देखा है कि ज़रा जल्दी मिट जाता है। असल में ब्रश से मिटता इसलिए जल्दी है क्योंकि बहुत लिटिल अमाउंट में लगता है, तो इनके फेस पे इस तरह का कोई स्पॉट वगैरह नहीं है जो हम देर तक उसको बिल्कुल, तो देर तक नहीं, इसको जस्ट हम लोग टैप करेंगे इस तरह से जी, जस्ट हम इसको टैप करेंगे। अगर ये स्किन होती ज़रा एज स्किन होती तो फिर ये स्किन होती फिर हम उसको स्पंज से लगाते, ये इसमें डिफरेंस है क्योंकि इस एज स्किन नहीं है, सॉफ्ट स्किन है, तो इस पर इतनी ज़्यादा वैसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको जो है आज आलिया ने तरीका बता दिया कि आपने बेसिकली तरीका क्या अपनाना है, लेकिन पाउडर ज़रूर यूज़ करें गर्मियों में प्लीज़। अच्छा, पाउडर बाद लोग अगेन ड्यूई लुक चाहते हैं तो उनको ये भी बता दूँ कि अगर आप पाउडर भी लगा लेंगे ना तो मैं सीरियसली बताऊँ आफ्टर 1 आवर आप बाहर जाएंगे आएंगे वो वैसे ही ड्यूई लुक हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल जो पाउडर होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यस जी, अगर ज़्यादा आप लोगों को स्टे देना है तो उसके लिए फिर आपको स्टिक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। लेकिन स्टिक के बाद फिर पाउडर भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है मैंने जी जी, लेकिन अगर आप कुछ स्टिक्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप बिल्कुल लाइट फाउंडेशन या पाउडर करें तो वो उसको स्टे कर जाता है। बस वही ना, ऑयल बेस अगर होगा फाउंडेशन तो वो चाहे स्टिक हो चाहे वो आपकी लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन ऑयल बेस होगा तो इट स्टेज अ लिटिल मोर लॉन्गर। लेकिन ये डे वेयर के लिए बता रही हैं आपको, तो आप वाटर बेस आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिनको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए होता है, लाइक यू नो हर स्किन इज़ वेरी वेरी लाइक नाइस एंड यंगर, तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन लगा सकते हैं? मतलब हाईलाइटिंग बिल्कुल आप हाईलाइट कर सकते हैं इसके ऊपर। लिक्विड हाईलाइटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप पाउडर गर्मी है तो लिक्विड तो मिट जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसमें ये भी एक तरीका है कि आप अपने फाउंडेशन में थोड़ा सा जो है वो लिक्विड वो मिक्स करके हाईलाइटर ऐड करके आप लगाएं तो उससे बहुत प्यारा फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा और बहुत अच्छे तरीके से आज आलिया ने बताया आपको कि किस तरह से आपने फाउंडेशन लगानी है गर्मियों में, स्पेशली जब आप डे वेयर में जा रहे हैं आपने दिन के टाइम पर आपने यूज़ करना है। इसके साथ ही अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब आप देखेंगे कैट वॉक और हिना मिर्ज़ा के आउटफिट्स हैं। तो देखिए गर्मियों के सीज़न में लॉन ज़बरदस्त रहती है, तो हिना मिर्ज़ा के आउटफिट्स देखें एंड स्टे विद अस।